क्या आप भी 50 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं और पैरों में दर्द रहने लगा है जो गोलियों मलहम इत्यादि लगाने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है? आपको बता दें कि बढ़ती उम्र में पैरों में दर्द होने के कई कारण हो सकते हैं। आइए इन्हें आसान भाषा में आपको समझाते हैं। गठिया यानी कि आर्थराइटिस, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें जोड़ों में सूजन और दर्द होता है। उम्र बढ़ने के साथ गठिया और भी गंभीर हो सकती है। उम्र बढ़ने के साथ पैरों की मांसपेशियों में कमजोरी आ सकती है जिससे कि दर्द हो सकता है। नसों में दबाव यानी कि उम्र बढ़ने के साथ नसें कमजोर होना शुरू हो जाती हैं और इन पर दबाव बढ़ जाता है। रक्त प्रवाह की समस्या, उम्र बढ़ने के साथ ब्लड की समस्या भी हो सकती है जिससे पैरों में पर्याप्त खून नहीं पहुंच पाता है। विटामिन की कमी, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ही शरीर में विटामिन की कमी हो सकती है, क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो खाने से काफी सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। मोटापा भी पैर में दर्द का कारण बन सकता है, क्योंकि इसमें पैरों पर ज्यादा दबाव पड़ता है। साथ ही शराब का ज्यादा सेवन नींद की क्वालिटी पर भी असर डालता है और शरीर अगले दिन के कार्यों के लिए मसल्स को रिपेयर नहीं कर पाता है। ऐसा लंबे समय तक हो तो पैरों और दूसरे अंगों में भी दर्द हो सकता है। यदि आपको पैरों में दर्द हो रहा है तो आपको स्थिति को बिगड़ने से पहले ही इसका इलाज करा लेना चाहिए। आइए इसी विषय पर प्रसिद्ध हकीम सुलेमान जी को सुनते हैं। अच्छा, इस उम्र में ये दर्द कोई बड़ी चीज नहीं, सबको होता है। कोई ऐसा आदमी नहीं होता आजकल जिसके नहीं होता हो। तो देखिए, एक बहुत आसान इलाज है, 10-12 रुपए रोज का एक इलाज है। एक चीज मिलती है गौंद सियाह, लिख लीजिए आप गौंद सियाह। सियाह कहते हैं काले को, यानी काला गम, काला गौंद। ये 100-200 ग्राम खरीद लीजिए, इसको पाउडर बना के अपनी माता जी से कहिए गोलियां बना लें, इसको चने के बराबर या मटर के दाने के बराबर गोलियां बना के रख लें, वो आसानी से कर लेंगी। और एक गोली सुबह नाश्ते के बाद, एक खाने के बाद, पानी से या बगैर चर्बी के दूध से, और आपके हालात हैं तो जूस से भी दे सकते हैं। ये 100 ग्राम गौंद ख़त्म होने से पहले पहले आपकी माता जी आपसे कहेंगी, मुझे उम्मीद है कि बेटा मेरा तो सारा दर्द चला गया,